हर जगह इत्र ही नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। नमस्कार, मैं मयूरी श्रीवास्तव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में, जिसमें आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता गांधी जी, देश के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में से एक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के चीफ एकेडमिक एडवाइजर होने के साथ साथ प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और रिसर्चर भी हैं। तो स्वागत करते हैं सुनीता गांधी जी का। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। धन्यवाद मयूरी जी। मैं हूँ सुनीता गांधी, जैसा कि मयूरी जी ने बताया, मैं लखनऊ की ही हूँ और लखनऊ में मेरा जो मार्गदर्शन मिला अपने माता पिता से, और उसके बाद फिर मैं पढ़ने के बाद लखनऊ में मैं गई विदेश, वहाँ पर मैंने अपना डॉक्टरेट किया फिजिक्स में, और उसके बाद बहुत भ्रमण करके 50 देशों में भारत वापस आई हूँ। मैं शिक्षा में कार्य करती हूँ, स्पेशली मैं कार्य करती हूँ ऑफकोर्स मम्मी पापा के स्कूल में, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में, बट साथ साथ मैं गवर्नमेंट के साथ भी काम करती हूँ और स्लम्स और विलेजेस में भी साक्षरता पे काम करती हूँ। सुनीता जी, हर इंसान के अपने सपने होते हैं, उसे पूरा करने की लगन होती है, आपका क्या सपना रहा? मेरा सपना रहा कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहती थी, कि अगर कोई गरीब हमें दिखता था तो रोना सा आता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो गई तो मैं विदेश, लेकिन मेरे मन में हमेशा था कि कुछ ना कुछ गरीबों के लिए करना चाहिए। तो मेरे मन में यही है कि एक मतलब पूरा भारत साक्षर हो और पूरी दुनिया साक्षर हो, और साथ ही हर बच्चे को मौका मिले कि उसकी ज़िंदगी अच्छी हो पाए। ये मेरा एक विचार है और मेरे मन में है कि हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं तो शिक्षा के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शिक्षा एक प्रथम पद है जिसके ऊपर अगर बच्चा आ जाता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी सुधर जाती है, और बहुत समय नहीं लगता, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत समय लगे। सुनीता जी, आप अभी एक अच्छे मुकाम पर हैं, और इंसान की ज़िंदगी हमेशा चुनौतियों से भरी होती है, और इन्हीं चुनौतियों से इंसान सीखता भी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौती तो हर एक की लाइफ में होती है, जैसे आपने कहा मयूर जी, और मेरी लाइफ में भी चुनौतियाँ बहुत आई। जब हम छोटे थे तो पैसे तो नहीं होते थे घर में, और एक बार मेरे मम्मी पापा ने कहा, जब बस्ते में चेक करो कुछ पैसे हैं कि नहीं, क्योंकि किसी का पंसारी की दुकान में कुछ उन्हें देना था। तो संघर्ष वहीं से शुरू हुआ, और लेकिन ये मुझे ध्यान में आया बार बार कि कई लोग संघर्ष के बाहर निकल के आए हैं और मैं भी निकल सकती हूँ। जब हम लोग लंदन गए तो बहुत ही मुश्किल से जा पाए पढ़ने के लिए, मम्मी पापा ने इधर से उधर से पैसे लेके किसी तरह हमको भेजा। जब वहाँ पहुँचे तो पता लगा चीज़ें बहुत ही महंगी हैं, और मम्मी पापा को हम लोग परेशान नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए हम लोगों ने फिर जॉब्स लिए, मेरे भाई ने, मैंने स्पेशली बहुत सारे जॉब्स लिए, और उसमें क्लीनिंग का भी जॉब लिया, उसके अंदर हर तरह की जॉब दी। उस समय बिल्कुल न्यूनतम लेवल पे थे, अगर देखा जाए देश की स्थिति के अनुसार हम लोग तो बहुत ही लो लेवल पे थे इकोनॉमिकली, और बच्चे भी थे उसमें 16 साल 17 साल की उम्र थी। तो उस संघर्ष को करके जो आज की इसमें जो हम निकल के आए हैं, वहाँ से हमने अंडर ग्रेजुएट किया, उसमें हमें स्कॉलरशिप मिली, फिर हमने PhD करी, उसमें हमें स्कॉलरशिप मिली। तो वो लगता है कि शिक्षा के थ्रू मतलब हमें ये मौके मिले, लेकिन जब हम बहुत लो लेवल पे होते हैं तो हमारी सोच कहीं लो लेवल के ना हो जाए, तो उस तरह के संघर्ष आते रहे। अमेरिका में भी बहुत सारे संघर्ष आए, उसके बाद मैं विदेश गई, वर्ल्ड बैंक में वहाँ पे काम किया मैंने वॉशिंगटन में। तो जब आपके विचार बड़े होते हैं, काम बहुत बड़े बड़े आप सोचने की करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज कम होते हैं, तो उनको अर्ज करने में आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। तो भारत में है, और भारत में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी हैं और संघर्ष भी हैं। बिल्कुल सुनीता जी, हर इंसान का एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन है और क्यों है?
देखिए, हर एक के माता पिता तो प्रेरणा स्रोत होते ही हैं जी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे मम्मी पापा शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में वो काफ़ी बड़े काम कर रहे हैं जी। जिस स्कूल से मैं कनेक्टेड हूँ, मम्मी पापा का स्कूल है जिसका नाम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है, उसमें इस समय तकरीबन 60,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हर साल बहुत सारे बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट करते हैं और मेन चीज़ यह है कि वहाँ पर जो पापा और मम्मी का एफर्ट रहा है उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी है कि मैं भी सेवा के क्षेत्र में जाऊँ और सेवा के बारे में सोचूँ। क्योंकि अपनी ज़िंदगी तो सब लोग जी लेते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना और कुछ करना वो हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है, मम्मी पापा इन पर्टिकुलर। सुनीता जी, आपके मन में कब आया कि ऐसे सेवा करनी चाहिए, ऐसे बढ़ावा देना चाहिए शिक्षा को? क्या चीज़ आपको प्रेरित की कि आपको लगा कि ये करना चाहिए? बहुत सारे कारण रहे, जैसे मैं बहुत छोटी थी, 9th क्लास में थी जो मुझे याद आ रहा है, तो मुझे पापा लेके गए थे, मम्मी लेके गए थे मदर टेरेसा से मिलाने। उसमें मदर टेरेसा आई थी, 1975 की बात है। तो हम कैथीड्रल स्कूल लखनऊ में है वहाँ गए, उनसे मिला और उनको हमने उस समय जो भी बचपन की हमारी छोटी मोटी सेविंग्स थी इकट्ठा करके हमने उनको दी फॉर लेप्रेसी सेंटर। तो पापा ने मुझे बहुत मौके दिए कि हम यू नो सेवा का काम करें, जैसे कि हम लोग बाहर प्याऊ लगाते थे गर्मियों में, गर्मी की छुट्टियों में, और इस तरह से लोगों की सेवा करते आए थे और गांवों में भी जाते थे। और श्रद्धा तो थी भगवान में, लेकिन साथ साथ बहुत सारे ये काम भी मम्मी पापा हमें प्रेरित करते थे। आते माता पिता बहुत बड़ा एक रिजर्व होते हैं और उनकी दिशा जो देते हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है मेरी लाइफ में, और वाकई में मेरी लाइफ में उन्होंने ये प्रेरणा दी। और मदर टेरेसा से मिलकर तो मेरा मतलब एक पूरा एक नया एवेन्यू खुल गया, फील लाइक उन्होंने इतना बड़ा मुझे प्रेरणा दी। उन्होंने मेरी डायरी में लिखा, गॉड लव्स सुनीता, लव अदर्स एज ही लव्स यू, मदर टेरेसा। तो वे दिमाग में छप गया है, मेरे हार्ट में छप गई वो बात। सुनीता जी, देवी संस्थान की संस्थापक भी हैं आप, इसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जी, देवी संस्थान मैंने शुरू किया था, मैं वाशिंगटन में थी उस समय जी। और मुझे लगा कि भारत के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं वहाँ पे चैरिटी के लिए कुछ पैसे देती थी, तनख्वाह अच्छी खासी थी जब तक वहाँ पहुँचे, तो सेवा के काम में उधर भी हम जुटे रहते थे। लेकिन हमने सोचा कि भारत के लिए कुछ करना चाहिए, तो फिर मैं एक ट्रिप पे जब भारत आई तो मैंने ये संस्थान शुरू किया, देवी संस्थान। मैंने अखबार में डाला कि जो लोग एक देवी संस्थान जैसे ना मैंने सोचा है, डिग्निटी एजुकेशन विजन इंटरनेशनल, क्योंकि डिग्निटी सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है मेरे दिमाग में, बट किसी की भी प्रगति के लिए, कि उनके अंदर सेंस ऑफ डिग्निटी होना चाहिए। तो दिमाग में नाम आया था, तो मैंने अखबार में डाला कि जो भी इंटरेस्टेड हैं लोग इसमें मुझे मदद करने के लिए, वो मेरे घर पे आ जाएं 12 स्टेशन रोड पे। तो बहुत सारे लोग आए, उसमें एक थे डॉक्टर अमिताभ चक्रवर्ती जो कि RDSO में हेड थे रिसर्च के, तो वो फिर उसके प्रेसिडेंट बन गए। मैं भारत से वापस चली गई अमेरिका और ये काम शुरू हो गया वहाँ पे, बहुत बड़े स्तर पे फिर काम हुआ। और मैं जब वापस आई तो मैं इसकी प्रेसिडेंट बनी हूँ 2014 में, तो तब से मैंने साक्षरता पे काम शुरू किया है। तो मैम, इसका मेन मकसद क्या है देवी संस्थान का? आपने इसको ओपन किया, आप इसके फाउंडर हैं, तो क्या मकसद है और आगे की क्या रणनीति लेकर चल रही हैं इसको लेकर? देखिए, बहुत सारे काम शिक्षा के क्षेत्र में और डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो रहे हैं, बहुत लोग लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को एक कैटलिस्ट की तरह काम करना चाहिए। दैट मीन्स कि हम जो बनाए उसमें ज़रूरी नहीं कि हम ही हर चीज़ में भिड़ें, हम ही हर चीज़ में करें, लेकिन वो एक कैटलिस्ट टाइप हो जिससे कि और बहुत सारे लोग उससे जुड़ करके उसको बहुत ही बड़ा रूप दे पाएँ। तो मैंने रिसर्च करी आते ही वो थी कि लोगों को साक्षर कितनी जल्दी बना सकते हैं। तो मैं जैसे लोगों को स्लम्स में जाके मिलती थी, उनको कभी कभी अपने ऑफिस में लेके आती थी, उनको पढ़ाने की कोशिश करती थी, तो समझती थी उनकी क्या मुश्किलें हैं। और एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में था कि क्यों ऐसा है कि बच्चे लोग और अडल्ट लोग जो कि अपनी भाषा जानते हैं केवल एक अक्षर ज्ञान की वजह से पूरी ज़िंदगी सफ़र करते हैं। क्या वो अक्षर ज्ञान हम उन्हें 1 महीने में दे सकते हैं, 3 साल में नहीं? तो वो एक प्रश्न जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था मेरी रिसर्च के लिए। और हम ये चाहते थे कि कोई भी जना जो कि 0 अल्फाबेट जानता है वो मात्र एक महीने के अंदर अखबार पढ़ने लायक बन जाए। तो वो हमारे साथ संभव हो पाया और आज की डेट में उसी को लेके हमने एक स्कूल प्रोग्राम बनाया है जो 2022 में लॉन्च किया है, जो कि पूरे भारत में बहुत बड़े स्तर पर अब स्प्रेड होना शुरू हो गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमको रिक्वेस्ट करी कि हम उनके साथ जुड़ के जो इंडिया की लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जाके इस चीज़ को बढ़ावा दें। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 15 जिलों में ये हमारा कार्य शुरू हो रहा है, कुछ में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, कुछ में होने वाला है।
सुनीता जी, सीएमएस देवी संस्थान जैसे कई ऐसे माध्यम हैं जिससे बच्चों को शिक्षा मिल रही है और आप भी उसमें नए नए अपना काम कर रही हैं, अपना योगदान दे रही हैं, इसके बारे में कुछ बताएं और आगे की रणनीति क्या है? सो देवी संस्थान के थ्रू जैसे हमें दो लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स मिले, एक उड़ीसा में संबलपुर और एक उत्तर प्रदेश में शामली, जो कि इंडियन जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे कहते हैं जिसे, उसमें बहुत ही उनके न्यूनतम लेवल मार्क्स आए थे इन दो जिलों के। तो कहीं ना कहीं हमें एक मौका मिलना चाहिए, तो अनीता कारवाल जो कि उस समय चीफ सेक्रेटरी थी, रादर सेक्रेटरी थी एजुकेशन की, उन्होंने हमें मौका दिया। तो हम यहाँ गए, वहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बात करी, उन्होंने हमको कुछ स्कूल दिए। पहले उन्होंने मात्र 10 स्कूल दिए हमें जैसे शामली में, और 10 दिए कंट्रोल ग्रुप में, माने जैसे हम डेटा कलेक्ट करें। और उसके बाद फिर वो करीब 3 महीने बाद जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो उन्होंने उसको 290 स्कूल कर दिया उसी जिले में। और उसके बाद फिर आज की डेट में, मतलब 5 महीने बाद ही हमें जो है 15 जिलों में काम करने का मौका मिला। तो जब कोई चीज़ वर्क करती है तो टीचर्स खुद ही उसकी तरफ आते हैं, वो कैटलिस्ट वाला रोल, कि कैटलिस्ट ऐसा हो कि भाई हमें वहाँ उनको यू नो डंडे के साथ खड़े होना पड़े ना, उनको कहना पड़े आप ये करिए ना, उनके पीछे पड़ना पड़े, वो खुद करना चाहें, वहीं पर उसकी जीत है। तो ये अब हो रहा है पूरे भारत में और जहाँ जहाँ हो रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ की, यहाँ तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में जानते हैं आप लोग, तो हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट्स ने हमारा उत्तर प्रदेश का केस स्टडी पढ़ा, जिसको हम कहते हैं अल्फा एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल, और उसका चैप्टर 8 एक 540 किताब में अभी मार्च में पब्लिश हुआ है, अमेजोन पे अवेलेबल है। तो ये रिसर्च जो हो रही है इसके अराउंड, उससे भी ये बहुत बड़ा होगा। अभी इस समय हमारा मॉल्डीव्स देश में भी, पूरे देश ने ले लिया है इस प्रोग्राम को, मतलब एक साल के अंदर ये सब हुआ है। तो बहुत ही कमाल का काम हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि टीचर्स कह रहे हैं हाँ, इससे मेरे बच्चों की प्रगति हो रही है। सुनीता जी, यूपी की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा से सवालिया निशान खड़े हुए हैं। आप विदेशों में पढ़ाई कर आई हैं, वहाँ रिसर्च कर आई हैं, कितना डिफरेंस देखती हैं? देखिए, दो स्तर पर हम देख सकते हैं इस चीज़ को। एक तो जो शिक्षा प्रणाली है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में मोर लेस सेम है। ज़्यादातर आप देखेंगे वो टीचर लेड है, वो 19th century तरीके से पढ़ाते हैं, उसी तरह से असेस करते हैं बच्चों को, उनको फिर हम मार्कशीट देते हैं, फिर कहते हैं आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे हो। ये सब पुरानी जो तरीके हैं वो व्यापक हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में व्यापक हैं। जैसे अगर आप रीडिंग की बात लें, केवल रीडिंग पढ़ाना क्यों लगता है 3-5 साल स्कूलों में, तो रीडिंग में जो प्रणाली है उसे कहते हैं होल लैंग्वेज। होल लैंग्वेज ये है कि जैसे हम बोलते हैं वैसे हम पढ़ते हैं, वो एक्चुअली बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उस तरीके से, क्योंकि स्पीकिंग तो नेचुरल है लेकिन रीडिंग नेचुरल नहीं है। तो उसके लिए फिर फोनिक्स भी है, फोनिक्स में बेटर है लेकिन अभी वो व्यापक नहीं है इतना, लेकिन रिसर्च कह रही है भी फोनिक्स इज़ बेटर। हमने इसका थर्ड तरीका जो इन्वेंट किया, जिसको हम कह रहे हैं अल्फा एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर ऑल, तो ये नेचुरल है। क्यों? क्योंकि हम जो चित्र देखते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट में चीज़ें हैं, उसी की हम पहली आवाज़ जब निकालते हैं और आवाज़ों को जोड़ते हैं तो शब्द बन जाते हैं। तो इस प्रणाली में कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप पहले यू नो उनको आ ई का खा दागा सिखाएं या ABCD सिखाएं, कोई ज़रूरत नहीं। सीधे बच्चे लोग वर्ड्स बनाते हैं, तो 1.5 साल तो यही बच जाता है जी। और उसके बाद फिर वो बच्चे वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस बनाते हैं, पढ़ लेते हैं, मतलब मात्र 10 दिन में वो 400 वर्ड्स पढ़ लेते हैं और वाक्य पढ़ लेते हैं। और उसके अनदर 20 दिन, मतलब 1 महीने के अंदर कोई भी बच्चा, कोई भी अडल्ट वो अखबार पढ़ने लगता है। तो ये एक विचित्र तरीका है करने का, थर्ड तरीका है। तो जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ही अलग होनी चाहिए, और जिस तरह से चल रहा है उस तरह से काम नहीं चलेगा। बच्चे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं इसमें, 80% बच्चे फील करते हैं हम अच्छे नहीं हैं, जबकि हर बच्चे को फील करना चाहिए आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे अच्छे हैं दुनिया में। तो इसके लिए हमें विचारधारा अपनी बदलनी पड़ेगी, बहुत सारे तौर तरीके नए अपनाने पड़ेंगे। तो ये है दूसरी चीज़, जहाँ देखा जाए कि भाई प्रिविलेज की बात है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे उन गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, टीचर्स बेटर एजुकेटेड हैं, तो ऑलरेडी शिक्षा उनकी बेटर होगी, पेरेंट्स भी उनके पास इकोनॉमिकली बेटर ऑफ हैं। भारत में भी हम देखते हैं जो ट्यूशन दे रहे हैं, जो पेरेंट्स खुद ही अंग्रेजी बोलते हैं, तो उनके बच्चे तो वास्तविकता से अच्छा करेंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हैं जिनके पास ये कुछ भी नहीं है, तो ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर है और हमें दोनों लेवल पर काम करना है। एक तो पहले तो एजुकेशन, बल्कि एजुकेशन के थ्रू इकोनॉमिक वेलबींग, दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो दोनों पे काम करना है। तो पहले हमें बच्चों को साक्षर बनाना है, उनको फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमसी, जो कि इस समय भारत की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है शिक्षा के क्षेत्र में, उसे बच्चों को उस स्तर पर लाना है। कोविड की वजह से बहुत पतन हुआ है और वो गैप बहुत बड़ा है। इस एक साल में कोविड के बाद हम लोगों ने वो प्रगति नहीं करी है जो अभी तक करनी चाहिए थी। तो अभी
बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आगे है और हमें नवीन तरीके सोच के नए चीज़ों को अपना के और थोड़ा सा डेयरिंग होके रिस्क अवर्स नहीं होना इतना रिस्क लेना है, क्योंकि बच्चों के लिए हमें उन डायरेक्शन में जाना है जो अभी तक अपनाया नहीं गया, तो रिस्क आपको थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। लेकिन यदि ऐसा हो सकता है और संभव है कि 30 दिन में बच्चे पढ़ने लायक हो रहे हैं तो क्या रिस्क है। हम तो चाहते हैं सारे प्रदेश से अपनाएं, 45 दिन 30 दिन के अंदर बच्चे लोग अखबार पढ़ेंगे और उसके साथ साथ गणित सीख लेंगे। तो ये हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाहते हैं कि ये खबर सबको पहुँचे कि बहुत जल्दी भारत लिटरेट हो सकता है यदि हम इन नए तरीकों को अपनाएं, पूरा वर्ल्ड लिटरेट हो सकता है। सुनीता जी, CMS आपका फैमिली स्कूल है और लगातार आप वहाँ शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं, अभी क्या कुछ नया कर रही हैं इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैंने पहले तो गांवों में ट्राई किया और स्लम्स में ट्राई किया, फिर अभी नवंबर में, लास्ट नवंबर, क्योंकि हमने 22 में ही लॉन्च किया था इसे, तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने भी अडॉप्ट किया अल्फा को। अल्फा माने एक्सेलरेटिंग लर्निंग फॉर ऑल, हर बच्चे को महान बनाना है, हर बच्चे को उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट कराना है, तो उसको कैसे कराएं। तो इसके लिए हमने प्रयोग किया दो कैंपसेस में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के, और वहाँ पर जब रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए, मात्र 39 डेज में एक कैंपस में और 44 डेज में अनदर कैंपस में, तो फिर लगा कि इसको व्यापक करना है। तो इसमें सारे जूनियर स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के सारे अल्फा को अपना रहे हैं और बच्चे तीव्र गति से फाउंडेशनल स्किल्स को सीख रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप हो रहा है। हिंदी ले लें, अंग्रेजी ले लें, गणित ले लें, और गणित एक क्लास दो क्लास आगे बच्चे कर पा रहे हैं। मैम, प्राइम टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? वेल, आई थिंक अगर न्यूज चैनल्स जैसे प्राइम टीवी है, बहुत ही अमेजिंग चैनल है, और इस तरह के चैनल जो बहुत सारे दर्शक या कुछ दर्शक देखते हैं, तो उससे उनको प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ कर सकते हैं। हम लोगों को जिस तरह से करते आए हैं वो चीज़ें ड्रॉप करके नई चीज़ों को अपनाना है, और उसके लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्राइम टीवी का। उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आज आपने बुलाया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी हमसे जुड़ने के लिए। तो शख्सियत में मुलाकात हुई सुनीता गांधी जी से, आगे फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।